महाराज हैं, ये धर्म सतल हैं, ये आयोजन हैं, ये कथा हैं, महाभारत रामायण जगह जगह सत्संग हो, वो मारे बुजुर्ग मारते नुआ सका कर गए, इन चीजा का लेसन लेना हो है। यहाँ एक लेसन देने की कोशिश की है, उस जीव को बताया कि भाई इन इन चीजों को देख तेरे अंदर वीरता भी आओगी, तेरे अंदर नरमाई भी आओगी, तना गृहस्थी का ज्ञान भी आओगा, तना घटीवती का भी ज्ञान होगा। क्या देखता है जीव कैसे क्या? अपने गर्भ को देखो, बच्चा मलमूत्र वहीं पकड़ता रहे, इतनी सी जगह में जीना हो मानस का, और फिर इतनी बड़ी दुनिया भगवान दिखावे, खेत में भी चले जा, पहलवानी भी कर ले, जिसका जो भाग में लिखा है को गायक बन गया, कैसे नजारे भगवान दे है। देख सजावट अंदर की, मन भटक रहे बंगले के वहां, अरे तरह तरह के नक्शे वहाँ लटक रहे बंगले के माँ, लटक रहे बंगले के जी। 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। युवा साथी संदीप मनाना गांव से, भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। देख सजावट अंदर की भाई, परमात्मा भी मौका दे है, दरता मौका दे लिया, तीन रागड़ी होली आड़ी तो पल्या, तीन रागड़ियाँ मदा छोरा खेल जा, सारे काम कर ले मेरे यार, समझ थोड़ा संभल, सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। पहली कली में गौर करना, पंडित लक्ष्मी चंद के भजन मिलेंगे आपने गौर करना, वहाँ सतयुग से ले गए और कलयुग तक का जगह पाओगा, वो वहाँ से चीज को उठाते थे और याड ले आकर छुटिया करते, जाट मेरे संगा थोड़ा सा नियम उल्टा, यहाँ से उठाते हैं और वहाँ तक ले जाते हैं। शुरू में किस चीज का जिक्र करा, क्या फोटो देखा जीव ने, कैसे
वो छतरी बार खड़े देखे, छतरी बार खड़े देखे। अरे तीजा फटू महाराणा का रण में तैर खड़े देखे, अरे चौथा फटू कौरों का जो कर के हार खड़े देखे, भाई नया वास से धनख साहब 100 रुपये से मान सम्मान मस्त हरियाणवी कैसेट 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। और हमारे भाई एक अभी मैं नाम भूल गया, हमारे लिए आदरणीय मुकेश पंडित जी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद है। मेरे लिए आदरणीय बड़ी भाई सुरेश जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन की तरफ से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, संगठन का तहे दिल से धन्यवाद है। और एक बार जोरदार ताली बजाओ जी संगठन के नाम से, जो हरियाणवी संस्कृति को इतना उच्च ले जाने की कोशिश कर रहे। मेरे गांव से मलिक साहब बड़े भाई रविंदर 100 रुपये से मान सम्मान करते, धन्यवाद है। ये हाल की बात थी, महाराणा प्रताप ना घने दन्ना होए दुनिया का है बनू बतावे, एक मणगा दा भाला दा और चेतक नाम का घोड़ा, घोड़े ने भी अपनी अंतिम विदाई स्त्रिया दी थी याद करने लायक है। ये बताते पा कट गया लोगो और नदी के ऊपर का कूदया, फिर भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अब यहाँ से त्रेता युग तक थोड़ी बात गई, 500 पांडव अटक रहे बंगले के में, लाक्षा के रहे में अटक जाते हैं, उसके बाद देखना आधी दुनिया ने कह दे खाटू श्याम का मंदिर बने के वह कृष्ण लत्ते ठा करदा, कृष्ण नू करा करदा, कृष्ण नू करा करदा। दूसरी कली में गौर करना भगवान को क्या दर्शाए, क्या कहा दूसरी कली में। अरे सीता ने तलाश करे, सीता
दसवें फोटो में सुन लो लोग जी मास्टर जी 101 रुपए से मान सम्मान करते धन्यवाद है संदीप भाई 100 रुपए पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है बोले आदरणीय भाई धोड़ा 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद बोले आदरणीय जगमेंद्र प्रजापत जी 101 से मान सम्मान करते हैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद छठा फोटो गोपनिया का सब दर्शन की आस करें सातवां फोटो गोकुल मथुरा जहाँ कृष्ण जी वास करें आठवां फोटो कैकई का जो रामचंद्र को वनवास करें नौवे फोटो में दोनों भाई सीता ने तलाश करें दसवें फोटो में राजा दशरथ सरपटक रहे बंगले के वहाँ तरह तरह के फोटो नक्शे लटक रहे बंगले के वहाँ सोच लो मो भी गलत है ये संत बताते राजा दशरथ ने राम को ये मान्या कि तेरा पुत्र है इसलिए 84 लाख योनियों में अटका गया पुत्र वियोग में मरिया कौशल्या ने नहीं मान्या अपना बेटा कौशल्या ने सरे आम ने कहा कि राम अवतार लेगा आया दुनिया का भला करना आया वो मोक्ष को प्रदान हुई गौर करना अब त्रेता युग में बात चली गई है तीसरी कली में ओड़ा पहुंच गए लंका खुए पाछे उस लंका का क्या होया एक रागणी के बोल आते हैं कि भाई बड़े बड़े नरक मंड में आ गए घटा जगत में मान गए अरे करी कराई खोदी सारी अब तक नहीं निशान गए जकरा थोड़ी उन लोगों का जिनके लंका सोने की मारे भर के 10-15 तोड़े ब्याह में चढ़ा आधे बहु गए चोड़े उंडे आ चोड़े हो जाने बहुत तगड़ा ब्याह होया अरे जिसका थाम सोने के दे उसका गरूर नहीं रहा मारा के सोदा है क्यों कर जड़ी लंका क्या कहा अंगद का
लंका का जो सोने में घड़ी हुई, बारहवा फोटो उस बगीची का जहाँ जान की पड़ी हुई, तेरहवा फोटो उस गुट्ठी का जो राम नाम में जड़ी हुई, चौदहवें फोटो में हनुमान ने देख के सीता हुई घड़ी, पंद्रहवा फोटो अंगद का पैर झटक रहे बंगले के वहाँ, तरह तरह के फोटो नक्शे लटक रहे बंगले के वहाँ, आखिरी कली में सार दिया चौधरी साहब ने गौर करना, समझने वाले इंसान तत्वज्ञानी इंसान इसको गौर कर लेंगे, जगत की माया एक तरफ, साधु संतों का आशीर्वाद एक तरफ, ये जो बात बताते हैं इंसान को बताते हैं, अरे बच्चे जितना होश के बच तेरे को मोक्ष मिलेगा। क्या कहा आखिरी कली में, क्या कहा, टक्कर